नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी उत्तराखंड के उस सियासी कोहराम की जो कांग्रेस और बीजेपी के घर के भीतर इस वक्त बवाल मचाए हुए है। खासतौर पर कांग्रेस के घर की दीवारें इस वक्त हिलती हुई दिखाई दे रही है। सियासी कोहराम की वजह पहली सूची चिंगारी बनी, दूसरी सूची आग बन गई और अब खबर यह है कि कांग्रेस के घर के भीतर बगावत की आग सुलग रही है और बीजेपी इस सियासी मौसम में, वैसे भी उत्तराखंड में पारा लगातार गिर रहा है लेकिन सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है और भाजपा ही उस सियासी तपिश में हाथ सेक रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां तक सेक रही है, कैसे वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के घर के भीतर लगभग 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर चेहरा बदलने तक पर विचार हो रहा है। अब इन खबरों में कितना दम है यह तो कांग्रेस आधा कमान ही जाने, लेकिन चर्चाएं इस बात की हैं कि कांग्रेस के घर के भीतर लगभग 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुखर विरोध हो रहा है और जिसका नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। बगावत की आग तो लगभग कमोवेश 15 से 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर बगावत की आग सुलग रही है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा 6 सीटों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको लेकर पार्टी अपने प्रत्याशी तक को बदल सकती है। हरदा रामनगर से चुनाव लड़ेंगे लेकिन रणजीत रावत बिगुल बजाए हुए हैं और सीना ठोक कर कह रहे हैं कि चुनाव में ही लड़ूंगा हरदा के खिलाफ। रामनगर के साथ साथ कालाडुंगी की सीट पर भी सियासी घमासान मचा हुआ है। कौन? महेश शर्मा मोर्चा खोले हुए हैं। लालकुआ हरिश्चंद्र दुर्गापाल पार्टी के कद्दावर नेता रहे, हरीश रावत के खासम खास रहे, अब नाराज हो गए। सुनने में आया है कि अपने आवास से कांग्रेस का झंडा तक हटा दिया। उनसे मुलाकात करने गई प्रत्याशी संध्या, उनको वापस बेरंग लौटना पड़ा। लालकुआ में जबरदस्त विरोध हो रहा है हरिश्चंद्र दुर्गापाल। अब इसके साथ रामनगर की सीट का मैं जिक्र कर चुका हूं। रामनगर के साथ साथ लैंसडाउन गढ़वाल आई, लैंसडाउन में भी अनुकृति गोसाई को टिकट देने पर विरोध हो रहा है। ऐसा ही विरोध ऋषिकेश में हो रहा है। ऋषिकेश में भी शूरवीर सिंह सजवाण के साथ साथ राजपाल खरोला जैसे नेता जो हैं वो एक मंच पर आ गए हैं और वो खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। ऋषिकेश में भी सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। और मसला अगर मैं बात बीजेपी के घर की करूं तो वहां भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है जहां पर तमाम चेहरे इस वक्त चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं लेकिन नुकसान कांग्रेस को पहुंचाने के लिए उतारू हैं। अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी में भी लड़ाई दिलचस्प दिखाई दे रही है। भाजपा ने, आपको याद होगा, बीजेपी ने 59 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है लेकिन वहां विधानसभा के जो उपाध्यक्ष और अल्मोड़ा के विधायक हैं रघुनाथ सिंह चौहान टिकट कटने से नाराज है, बागी हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे हैं। इसके साथ साथ कर्णप्रयाग, मैं बीजेपी का भी जिक्र कर रहा हूं, कर्णप्रयाग देवप्रयाग थराली यहां पर भी पहले ही ये बागी हो चुके थे विधायक। थराली सीट पर मुन्नी देवी और कर्णप्रयाग विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी, द्वारा हाट के विधायक महेश नेगी टिकट काटे जाने को लेकर नाराज थे लेकिन अब नाराजगी की वजह यह भी है कि आरोप कई सीटों पर लग रहा है कि आपने पक्षपात किया, अपने ही चाहने वालों को, अपने ही करीबियों को टिकट दे दिया। तो कांग्रेस में कई सीटों पर बगावत की आग सुलग रही है जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दिन भर ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। मैं सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। इस वक्त हमारे साथ राव बिलावर जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं
और नाराजगी की वजह का मैं जिक्र करूंगा, सीमा डोरा भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी और गोपाल रावत उत्तराखंड क्रांति दल से। लेकिन पहले मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, जरा दो बयान आए हैं, बगावत का बिगुल बजा है, किस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आइए जरा आपको सुनाते हैं कि बयान जो आए हैं उसके बाद सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। प्लीज जरा इन बयानों को प्ले करिए। ये इस बात से भी पता चल जाता है कि आज हरीश रावत कहते हैं अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते तो मुझे वोट करें, और उनकी पार्टी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहती। तो पहले ये विरोधाभासी बयान है कि एक तो अब तो पार्टी उनको चेहरा नहीं बना रही है और दूसरा वो स्वयं को चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि हरीश रावत की जो जो वेवलेंथ है, जो मेंटल की वेवलेंथ है, वो केंद्र से मैच नहीं कर रही है, संगठन से मैच नहीं कर रही। तो पहला विरोधाभास तो ये हो गया कि हरीश रावत स्वयं ही संगठन विरोधी दिखाई पड़ रहा है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि उन्होंने एक अध्यक्ष बनाया गणेश गुजराल, उनके साथ में चार उनको अध्यक्ष बनाने पड़े, तो पांच अध्यक्षों से पार्टी चल रही है। अगर आपस में इस प्रकार के खींचतान नहीं होती, घमासान नहीं होता, तो पांच पांच अध्यक्ष नहीं बनाने पड़ते, ये भी लोगों को समझ में आना चाहिए। उसके बाद अब टिकटों को लेकर जिस तरह वहाँ पर मारामारी और झगड़ा चल रहा है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि कांग्रेस में अंदर खाने बहुत टूटन है। तो इस परिस्थिति में जो कांग्रेस अपने आप में एक नहीं है, एक राय नहीं है, जो चेहरा है वो कहता है कि मुझे मुझे चेहरा बनाओ, कांग्रेस कहती है तुम्हें चेहरा नहीं बनाएंगे तो कांग्रेस टूट जाएगी, इस तरह का विरोधाभासी जिनका नेतृत्व है, सोच है, तो ऐसे में वो प्रदेश को क्या नेतृत्व दे पाएंगे, प्रदेश जनता को सोचना चाहिए और प्रदेश जनता सोचेगी इस बारे में। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ठीक राह पर काम कर रही है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। पार्टी ने किस प्रकार टिकट दिया, कैसे दिया, पूरी उत्तराखंड की जनता को अच्छी तरह से पता है कि किस प्रकार जो है रघुवीर बिष्ट जी का टिकट काटा गया है और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो कल तक बीजेपी में थे, जो कल तक जो है और जगह थे, और जिनके प्राथमिक सदस्यता नहीं थी। अगर आप संगठन की बात करें तो उसने तो एक फॉर्म भरा जाता है, जो दावा किया जाता है, दावा तक नहीं किया था, जो एक ड्राफ्ट जो दिया जाता है पार्टी संगठन में, जो ड्राफ्ट दिया जाता है वो ड्राफ्ट तक नहीं भरा गया था। रघुवीर बिष्ट ने सारी प्रक्रियाओं का पालन करके जितने भी 12 दावेदार हैं, केवल रघुवीर बिष्ट नहीं, जितने अन्य जो कांग्रेसी दावेदार हैं, सबने जो है पार्टी की जो प्रक्रिया है, जो चुनाव प्रक्रिया है, जो दावेदार होने की प्रक्रिया, उसका पालन करते हुए जो है दावा प्रस्तुत किया था। लेकिन जिन्होंने कभी आवेदन तक नहीं किया, तो कांग्रेस के घर में बगावत का बिगुल बजा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस के घर की तस्वीरें, जहां पर नाराज कार्यकर्ता अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कल देर रात हरीश रावत के आवास पर, जो मसूरी रोड पर आवास है, वहां पर भी कुछ इसी तरह की नाराजगी की तस्वीरें सामने आई। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। मेरे साथ राव बिलावर जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी है। अनिल सत्ती साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे, कुछ ही देर में बीजेपी का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल के भी। लेकिन सबसे पहले राव बिलावर साहब, ये तस्वीरें देखी क्या बगावत की? जी, तस्वीरें भी देखी हैं और मैंने जो है सब चीजें मैं देख रहा हूँ लगातार। कैसे बुझेगी ये आग? देखिए, जब मैंने कहा था कि परिवार जब बड़ा होता है, तो परिवार बड़ा होने पर महत्वाकांक्षाएं, जाहिर सी बात है, सभी की कुछ ना कुछ रहती हैं। तो अगर आप सभी को सोचे कि सब संतुष्ट होकर रहेंगे, थोड़ा बहुत नाराजगी कभी ना कभी आती है, तो बर्तन जब ज्यादा हो तो वो बर्तन आज भी बाहर आई। तो मैं तो इतना कहूंगा कि अभी धीरे धीरे 53 हमारी जारी हुई थी, वहां सब सही हो चुका है। अब ये आगे की जो 11 की लिस्ट है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत किसी को नाराजगी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से उन लोगों की कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं। नहीं नहीं, मैं जान रहा हूँ कांग्रेस से नहीं है राव भाई, पता क्या हो रहा है कि वो कांग्रेस को नहीं कोस रहे, वो हरदा को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हरदा ने धोखा दे दिया। देखिए सर, सीट से लेकर मैं देख रहा था, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर, गंगोली हाट, नारायण राम आर्य, बताइए आपके इतने वरिष्ठ चेहरे पार्टी छोड़ गए, अभी सुनते रहिए, बता देता हूं, मैं गलत बोलूंगा तो आप सुधार कर दीजिएगा। बागेश्वर, कपकोट सीट पर जो आपके सज्जन लाल टमटा थे और बाल किशन थे, उन्होंने पार्टी को नहीं कोसा, हरदा को कोस रहे थे, हरदा को। अब ऐसे ही हाल उधम सिंह नगर में जाता हूं, सितारगंज, किच्छा और बाजपुर पर आऊंगा। बाजपुर में तो ऐसा झटका दिया आपको आम आदमी पार्टी ने कि आप
मामला वहां डगमगा गया। हरिश्चंद्र दुर्गापाल लाल कुआं, आप ही के करीबी, आप ही के नेता, मंत्री रहे, पार्टी का झंडा हटा दिया घर से, बताओ राव भाई, तब भी आप कह रहे कि तिलक सर मैं सारी चीजों को अभी आपको बताऊं कि हरदा को कोसने वाले ये नहीं सोचेंगे कि हरदा ने अगर आज पार्टी के हित में, उत्तराखंड के हित में कोई निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं हरदा ने कल, आप जैसे कह रहे हैं मंत्री रहे, तो वो त्याग हर कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस को जिताने के लिए आज हम लोगों को जरूरत है कि हम कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत हितों को दूर रखते हुए एक होकर एक बैनर के नीचे काम करने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर इससे कि मैं अकेले ताल ठोकूंगा लेकिन चुनाव लड़ूंगा, आप बताइए। देखिए वो मैं नहीं कहना चाहूंगा, हरिद्वार ग्रामीण, देखिए जनता, मैं सीधा कहूंगा कि जनता सब जानती है कि रंजीत रावत जी भी हरीश रावत जी के ही वो थे, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां कुछ होती हैं कि पार्टी हित के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं। राजनीतिक अब जनता सब जानती है, स्वार्थ की राजनीति होती है, स्वार्थ की कोई राजनीति है हरदा और कांग्रेस, ये सिर्फ उत्तराखंड का स्वार्थ देख रहे हैं कि उत्तराखंड के लिए क्या अच्छा हो सकता है। अगर हम टिकट कट गया, जो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं वो किसका स्वार्थ देख रहे हैं? टिकट उनको शर्ट से बोला तो है कि शर्ट से आप चुनाव लड़िए। अच्छा तो पहले रामनगर से किसने बोला था उन्हें? वो तो कह रहे थे मुझे रामनगर का, पहले जो मुझे रामनगर का आप उन्हें शर्ट भेज रहे हैं। रामनगर का हरदा ने तो बोला नहीं होगा, हाईकमान का जो फैसला है वो हरदा उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा अब ये तो हाईकमान बताएगा, आग बुझेगी कैसे, कैसे बुझेगी आग? मैं आग इसको कहूंगा ही नहीं सर, ये आग नहीं है, ये थोड़ा बहुत जो बड़ा परिवार है, अब बड़े परिवार के आप हरदा के ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। मैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा कि हरदा वो इंसान है जिन्होंने दो दो हार झेलने के बाद भी इस कांग्रेस को अपनी मेहनत, अपनी उस उम्र के बावजूद आज यहां लाके खड़ा किया। आप उनका बलिदान, उनका त्याग देखिए। अच्छा। एक तरफ आप ही कहते हैं कि गुटबाजी है, मैं ये कहूंगा उस गुटबाजी के अंदर भी आकर आज भी हरदा माननीय प्रीतम सिंह जी को साथ लेकर, जितने भी हमारे कांग्रेस के लोग हैं सबको साथ लेकर एक ऐसा ही टीम उत्तराखंड को देना चाह रहे हैं। अनिल सत्ती जी नमस्कार। तो चलिए ठीक है कि सियासी तपिश ज्यादा है, सियासी कोहरा दिन भर, तीन चार दिन से तो धूप ही नहीं निकल रही, पारा लगातार गिर रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताओ ना अनिल सत्ती जी, आप तो कांग्रेस के घर की आग का हाथ सेक रहे हैं, उनके घर में आग लगी आप हाथ सेकने पे आ गए, बाजपुर में क्या झटका दिया है? सुनीता बाजवा को साथ ले आए आप लोग, क्या? बिल्कुल। देखिये आग तो कांग्रेस के घर में ही लगी हुई है, आग कोई बाहर वाला नहीं लगा रहा, बल्कि इनके खुद ही जो कांग्रेसी है वो लगा रहे हैं, और आम आदमी की उत्तराखंड में एक चलन है कि हरदा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही हरदा है, तो यहाँ पर तो एक तरफा है, और जो इनके विरोधी जो आप है वही केजरीवाल है, जो केजरीवाल है वही आप है। देखिए केजरीवाल उत्तराखंड में कहावत है और ये कांग्रेस ही कहते हैं, हम नहीं कहते, ये कांग्रेस ही कहते हैं कि हरदा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही हरदा है। तो यहाँ कहावत बोल रहे हैं वो, ये कहते हैं वही जो हरदा कहे वही सही। बिल्कुल आप इस तरह भी ले सकते हैं, यही बात है हरदा कहे वही सही, हरदा भी यही कहते हैं माता ना भाई, वो मैं कहूँ वही सही। अल्मोड़ा में रंजीत रावत जी और हरीश रावत जी का कितना प्रेम है वो पूरा अल्मोड़ा जानता है, और ये आज से नहीं बहुत पहले से है, और जहां तक बात है कि साथ लाने की सोच रहे हो, मैं सुनीता बाजवा की बात कर रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया गेम खेला आपने वैसे। बिल्कुल राव भाई को ये समझ नहीं रहे थे, बाजपुर में बहुत अच्छा गेम खेल दिया आपने, यानी अब दो सीटों पर फाइट पे आ गए, एक काशीपुर में एक बाजपुर में, दो सीटों बहुत सी सीटें जहाँ पर हम फाइट में है, और गदरपुर में भी काली जी हमारे बहुत अच्छी फाइट करेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस तो अंदरूनी लड़ाई में लड़ी व्यस्त है, बीच समय डोरा जी जुड़ गई हैं, वो कह रही थी कि कर्नल कौठियाल जो है वो अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे, कहां सोच रहे हो आप, वो कह रहे गंगोत्री में जमानत नहीं बचेगी उनकी, लिख लो।
देखिए ये तो आगे आगे देखिए अभी होता क्या है। कर्नल कोटियाल जी गढ़वाल में बहुत जाना माना चेहरा है और यूथ फाउंडेशन के जरिए उन्होंने बहुत काम करी है, बहुत विकास कार्य किए हैं, बहुत लोगों को उन्होंने नौकरी पे ट्रेनिंग करवाई है, तो ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी चुनौती देने वाले हैं कर्नल कोटियाल इन्हें और गलतफहमी की दूर होगी। तो कांग्रेस के घर में कलह हुई उसका फायदा आम आदमी पार्टी ने उठा लिया सुनीता बाजवा को 7 लाख लगता है। नहीं नहीं देखिए देखिए बाजवा जी जब से नाराज थे, जब से यशपाल आर्य जी बाजपुर से आ गए थे और काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे बाजवा जी, और जिस तरह कांग्रेस ने एक एक करके जो अपने कार्यकर्ता हैं चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो उन्हें झटका देते हुए पैराशूट प्रत्याशी जिस तरह लाए हैं, तो निश्चित तौर पर जो कर्मठ कार्यकर्ता थे उनकी अनदेखी हो रही थी। तो ऐसे में बाजवा जी आए हैं पार्टी में, स्वागत है उनका। तो आप कह रहे थे किसी कांग्रेसी को नहीं लेंगे, किसी भाजपा को नहीं। नहीं देखिए कसम, नहीं नहीं देखिए आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुरू से कहते हैं कि एक अच्छे लीडर भाजपा में भी हो सकते हैं और कांग्रेस में भी हो सकते हैं। हमें जब कोई भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, कोई दागदार नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति अगर पार्टी में आता है तो उसका स्वागत है, हम पहले शुरू से कहते आ रहे हैं। हरक सिंह रावत को ले लेते 70 की 70 सीटों पर चुनाव जीत जाते। देखिए हरत सिंह रावत जी 7-8 महीने से लगातार पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे और आम आदमी पार्टी जानती है कि हरत सिंह रावत जी का चाल चलित चेहरा कैसा है, तो हरत सिंह रावत तो जैसे व्यक्ति को पार्टी में हम जानते थे हम उन्हें जेल ही नहीं पाएंगे। सीधा बोलो ना, आप क्यों घुमा रहे हो, सीधा सीधा बोला करो आप। क्यों राव भाई जल्दी से जवाब दो, ये कह रहे हैं कि देखो सुनीता बाजवा आ गई, बड़ा चेहरा है, फाइट पक्का। फाइट तो छोड़िए, मैं देख रहा था पिछला रिकॉर्ड 2017 में जब चुनाव लड़ी थी कांग्रेस के सिंबल से सुनीता बाजवा, क्योंकि अब तो किसान आंदोलन की भी तपिश है और तब यशपाल आर्य के खिलाफ उसे उन्हें कितना वोट मिला था, 42,329 वोट मिले थे सुनीता बाजवा को। अब बताइए लॉटरी खुल गई नहीं खुल गई आम आदमी पार्टी की। फिर सीमा मैडम आपके पास आ रहा हूं। देखिए तिलक सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ना मैं व्यक्तिगत तौर पे कोई ऐसी राजनीति करता हूं, मैं जनता को जनार्दन मानता हूं। जनता देख रही है कि कौन लोग कांग्रेस के घर से कैंडिडेट ला रहा है, कौन कांग्रेस के घर से लेके जा रहा है। अब जनता को यही देख करके वोट करने का वक्त आएगा कि वो सीधे उन्हीं लोगों का वोट करे जहां से मतलब आप सुनीता आर्य को टिकट ना दो, अगर बीजेपी वाले दे दे तो आप ये कह रहे हैं कि कौन कांग्रेस के घर से लेकर जाएगा उसे पता सबको, जनता को सब पता है, जनता से कुछ छिपा हुआ नहीं। आप अपने कार्यकर्ता आप अपने नेताओं की उपेक्षा करें और दूसरा अगर उसे टिकट दे दे तो आपको गलत लगता है। उपेक्षा नहीं होती सर, एक बलिदान होता है पार्टी के लिए। बलिदान दे दे अगर वो जीता कोई बैठ गया जो छोड़ने चला गया आप उसको फिर उम्मीदवार बना रहे हैं तो इसका ये गलत हुआ उसके साथ सही हुआ सुनीता बाजवा जी? नहीं गलत, मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत या सही का जो डिसीजन है वो हाईकमान का होता है, मैं ये नहीं कह पाऊंगा सर, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह पाऊंगा कि कहीं ना कहीं जब बात अपने प्रदेश हित की आती है, उत्तराखंड के हित की आती है, तो हम लोगों को चाहे उसमें मैं हूँ, आम आदमी हो या बीजेपी हो, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर अपना हित कहीं ना कहीं त्यागना पड़ेगा। आज जनता का मूड सब जानते हैं, सर्वे भी जानते हैं, सब जानते हैं कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस की सारी चीजें आ रही है। सीमा मैडम सुना आपने, राव जी कह रहे हैं जिसको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए वो कांग्रेस से ले जाता है, कांग्रेस को तोड़ता है, कांग्रेस से ले जाता है और उसको टिकट दे देते हैं। मुझे लग रहा है ये सरिता आर्य जी का कहना है। सौ चूहे खा के बिल्ली अज को गई, इनका तो उसूल ही यही है, इनको तो बेचना खरीदना तो सबसे ज्यादा कांग्रेस में, भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा कांग्रेस में, सच बोलना तो कभी कांग्रेस को आया नहीं, ये क्या बोलेंगे। सरिता आर्य जी को इन लोगों ने सम्मानित नहीं किया, वो बहुत दुखी थी, उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस में मेरा सम्मान नहीं है, मैं सिर्फ इस वजह से आ रही हूँ। 40% का कहने वाले, ये 40% देंगे महिलाओं को टिकट, 40% देंगे, इन्होंने कितने परसेंट दे दिए जरा ये बताएं। जब अपनी कथनी और करनी में इनके फर्क है तो ये भाजपा को क्यों दोषारोपण करते हैं। अब बिल्ली सोच हुए खा के हज को नहीं जा रही, अब बिल्ली 1,000 चूहे खाने के बाद हज को जाने लगी है। पहले बिल्ली सोच हुए खा के हज को जाती थी, लेकिन अब 1,000 खा करके हज को जाने लगी है। और वो बिल्ली कौन है, वो बिल्ली कौन है, वो पूरा देश जान चुका है, वो बिल्ली कौन है, उनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है, उनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें कहते हैं सब दाग अच्छे हैं, वो सब जानते हैं। मैं नहीं कहूंगा, जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है,
मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि परेशान होने की क्या जरूरत है, जनता जानती है तो जनता को करने दीजिए ना फैसला, जनता को फैसला करने दीजिए, जनता सब दिखा देगी कि किसको बाहर भेजना किसको रखना है। पहले भी दिखाया, पहले भी बाहर का रास्ता दिखाया आप लोगों को, इस बार फिर दिखा देगी। जी जी सीमा जी, रघुनाथ चौहान जी भी कह रहे हैं सम्मान नहीं हो रहा, रघुनाथ चौहान जी भी कह रहे हैं सम्मान नहीं हो रहा, पीपी के रोने रघुनाथ जी भी कह रहे हैं। एक सेकंड, अभी तो मैं इनकी भी लिस्ट पढ़ूंगा, ऐसा थोड़ी ना कि राव बिलावर जी की लिस्ट मेरे पास है। आप सुनिए ना मैडम, पढ़ूं लिस्ट आपकी भी? पढ़ूं मैडम? आप ही के विधानसभा के उपाध्यक्ष, अल्मोड़ा के विधायक रघुनाथ सिंह चौहान, अल्मोड़ा सीट। अब आगे सुनिए, कर्णप्रयाग, द्वाराहाट, थराली सब बागी हो गए। थराली में कौन? मुन्नी देवी। कर्णप्रयाग में कौन? सुरेंद्र सिंह नेगी। द्वाराहाट में कौन? महेश नेगी। मैडम चक्कर क्या है, यहां भी कम नहीं है बगावत की आग? आप भले ही राव साहब ने कही है देखिए 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 देखिए, वहां ये जोर है कि वहां शोर ज्यादा होता है क्योंकि इन्होंने राजपुर कार्यालय में चार दीवारी में जो है वो गेट ही नहीं लगवाया, मचाओ शोर। आपने तो घर में घुसने के लिए बाउंसर बिठा दिए। जी बाउंसर आ गए हूं। बाउंसर देखिए, जब कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो तो ऐसा होता है, अब क्या करें, संगठन इतना बड़ा है तो कैंडिडेट्स भी बढ़ गए इस बार। तो यही कह रहे हैं, हमारा संगठन इतना बड़ा है, एक परिवार में एक जगह, उनका कहां संगठन बड़ा है इतना? विश्व का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, विश्व का। आप हमारे से भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं आईवाईसी के संगठन को ही बता दूंगा कि उसकी कितनी बड़ी मेंबरशिप है, आप हमारे मुख्य संगठन की तो बात ही ना कीजिए, कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन और विश्व की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है वो भी सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आपका संगठन कहता था कि हमारे यहाँ अब आपके पास नेतृत्व क्या है आप बताइए, कभी था कांग्रेस में जिसका नेतृत्व हुआ करता था, जिसको पूरा पूरा भारत मानता था, आज कांग्रेस में क्या है? आप प्रेजेंट की बात करिए, आप प्रेजेंट में शून्य हो चुके हैं, कुछ नहीं है कांग्रेस में। मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी उसको देश दे दे, आपको लगता है राहुल गांधी नेतृत्व करना नहीं है? देश तो उनको देना है, सोनिया गांधी को उनको देना है जिन्होंने किसानों को एक साल तक सड़क पे बैठाया, देश तो उनको देना है जिन्होंने 15 लाख खाते में दिए, देश तो उनको देना है जिन्होंने विकास की बात करके युवाओं को सड़कों पे लाके खड़ा किया, ये जवाब तो जनता को देना है, मुझे ये जवाब नहीं देना है। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों को तो जब किसान आंदोलन करा था आप लोगों ने गोलियां चलाई थी, भूल गए 84 का? भूल गए, कुछ नहीं भूले हैं। नहीं ना, जनता नहीं भूली है, आप बता रही हैं गोलियां चलाई, आपने तो बिना गोलियों के किसानों को मारा है। हमने तो माफी मांगी, किसान शहीद हुए, फर्क नहीं किया, हमने गोलियां चलाई, हमने माफी मांगी, हमने कोई गोलियां नहीं चलाई, वो कोर्ट में मामला चल रहा है, वो कोर्ट में मामला चला, जिस जो उसके दोषी थे उनको सजा मिली, आपको सजा भी देने वाले नहीं है, आपको कोई सजा भी नहीं देने वाला है, कानून भी आपका है, सीबीआई भी, ईडी भी, सब चीजें आपके पास है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके घर की आग तो आपको दिखाई दे रही है, खूब हाथ सेक रहे हैं, और सबसे ज्यादा अनिल सत्ती खूब मजे ले रहे हैं, कह रहे कि देखा मेरे को मालूम था, तभी तो हमने लिस्ट होल्ड पर रखी थी, उठा के दिल्ली ले गए, दिल्ली में ज्वाइनिंग करवा दी, फोटो और दिखा रहे हैं, राव भाई देखो देखो देखो, सुनीता मैडम ने भी ज्वाइन कर लिया, अपनी लिस्ट तो देखो सीमा मैडम, धुआं उठ रहा है, भले ही छुपा लो कि आग नहीं लगी, चिंगारी बुझा दो, लेकिन धुआं तो उठ रहा है। मैं गलत कह रहा हूं, गलत गलत नाम ले रहा हूं क्या? सीट के साथ बता रहा हूं कौन कौन नाराज है। नहीं डेफिनेटली, जब इतना बड़ा हो संगठन और साथ में इतने सारे कैंडिडेट हो, तो अगर 10 कैंडिडेट होंगे तो 9 तो नाराज होंगे, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है, वो ज्यादा समय नहीं रहता, क्योंकि हमारे संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन से ऊपर कुछ नहीं। अगर वो नाराज आज हैं तो इलेक्शन से पहले पहले सब ठीक हो जाएगा, ये भी देख लीजिएगा। डोईवाला में भी, हाँ जी डोईवाला में भी सब जगह सब ठीक होगा, डोई वाला में भी ठीक होगा, आप देखिएगा तो सही, सब एक साथ मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, सबके सब एक ही छतरी के नीचे आएंगे, जो छतरी है भारतीय जनता पार्टी, यही बात सच है, क्योंकि हमारे हांजी चिट्ठी किसने लिखवाई थी पूर्व मुख्यमंत्री से?
चिट्ठी उन्होंने खुद लिखी थी, वो खुद चाहते थे कि मैं नहीं अब करूं, मैं संगठन में काम करना चाहता हूं। झूठ क्यों बोल रहे हैं? अनिल सत्ती अफवाह फैला रहे, कह रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री की चिट्ठी लिखवाई गई थी, वो लिखी नहीं थी, क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट काटने वाले थे इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी। अनिल सत्ती बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा। ये उनका अपना निर्णय है, बिल्कुल आप जाके उनसे इंटरव्यू ले लीजिए कि उनसे किसने लिखवाई थी या उन्होंने खुद लिखी थी। मैंने 5 बार संपर्क सिग्नेचर तो उनके थे, पता नहीं क्यों मुझसे नाराज होते हैं, इंटरव्यू नहीं देते मुझे। नहीं नहीं, सिग्नेचर उनके खुद के थे और उन्होंने आज भी वो एक मीटिंग में हमारे साथ थे, बहुत खुश थे कि मैं संगठन के लिए काम करूंगा। अनिल सत्ती जी कह रहे थे कि वो चिट्ठी लिखी नहीं, लिखवाई गई है। इनके कहने से क्या होता है? इन्होंने क्या बंदूक रखी थी कार में कि लिखो चिट्ठी? आप पता नहीं किसने रखी थी, तो फिर आपको कैसे पता? जब आपने रखी थी तो आपको कैसे पता? राव भाई बता रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने मैं अनिल जी से ही पूछ रही हूँ, तो क्या राव भी साथ होंगे फिर अनिल जी के? तो ऐसा है कि संगठन के अंदर की बात है, लेकिन सही बात है कि उन्होंने कौन हटाया, कौन लेकर आया, किसी को मालूम ही नहीं। जिनको हटाया उनको नहीं मालूम, जिनको लेकर आया उनको भी नहीं मालूम कि क्यों लेकर आया, और किसको हटाया उनको ये नहीं मालूम कि क्यों हटाया। क्योंकि संगठन सर्वोपरि है, यही तो एकता है, इसी को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। अब जल्दी से अनिल सत्ती, फिर आपके पास आ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हमारे संगठन में यही तो खूबसूरती है, हम जो करते हैं उसे सब मान लेते हैं, और हमारे जितने भी बागी हुए हैं वो भी मान जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपकी बार 60 पार। जवाब दीजिए फिर सत्ती साहब, आपके पास। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि संगठन इनका, मैं क्या कहूं, संगठन इनका है, लेकिन जनता को अब दिख गया कि संगठन भी अब धीरे धीरे धराशायी हो रहा है, और सरकार का तो मैं नहीं कहूंगा, जनता बताने के मूड में बैठी हुई है, वो बता देंगी 10 तारीख को हमारे जो जनता का आदेश होगा वो बताएगा। लेकिन वो जो बड़ी दीवार थी, मैं इतना कहना चाहूंगा, वो दरक चुकी है, पूरी तरीके से दरक चुकी है, ये निश्चित है। संगठन हो या सरकार हो या फिर ये चिट्ठी वाली जो आप बातें कह रहे हैं कि लिखवाई गई है, तो मैं इस पे भी कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनके घर का मामला है, इनके संगठन में सुना है बहुत सी चीजें ऐसी हैं वो इधर से उधर नहीं होती, लेकिन अब सबके सामने सच आ रहा है धीरे धीरे, वो अब जनता के विचार हो रहा है। 6 प्रत्याशियों को सिंबल सुनने में आया, कईयों का सिंबल रोक दिया है जी। क्यों? यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो संगठन होता है। सुनवाई देखिए, एक सुनवाई होती है कोर्ट में, आप जाएंगे तो अपील होती है, तो मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ भी अपील का सिस्टम आया है, मुझे खुशी है इस बात की। तो जहाँ बदले जाते हैं प्रत्याशी, मानते हो हरदा से उधर भाग गए, फिर सीमा डोरा और अनिल सत्ती बोलेंगे, देखो 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 भाग गए, अपनी अपनी सीट पर भाग रहे हैं। तो सर इसी के लिए तो मैं क्या कहता हूँ, इसे ही तो कहते हैं संगठन सर, जो आपने कहा संगठन सर्वोपरि, इसे असली संगठन सर्वोपरि कहते हैं। हरदा जैसे व्यक्ति अगर संगठन को फॉलो करते हुए, हाईकमान का आदेश मानते हुए, मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन अगर वो उसको मानते हैं तो ये भी हरदा की एक बड़प्पन है। ये कांग्रेस के घर में ज्यादा घमासान हो रहा है क्या, बीजेपी से ज्यादा? आपके यहाँ तो ये तो सीमा मैडम कह रही थी कि 70 तो ढूंढ ले, वो भी गनीमत है, वो भी गनीमत है। कह रहे चलो नहीं, देखो मिल भी गए तो 70 लड़वा भी ले, वो भी गनीमत है। कह रहे देखो लड़वा भी ले और जमानत भी बचा ले, वो भी गनीमत है। नहीं, भाजपुर में सुनीता टमटा जी आई है, कहते जमानत बचा ले। मैं तो कह रहा हूँ सुनीता बाजू जी आई है, मैं कह रहा हूँ, मैं देख कर आया हूँ। आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ कैसे, जो आप बात कह रहे हैं मैं वही बात बता देता हूँ। राव भाई, हमारी टीम ने पूरे उत्तराखंड में, हम वो वाले नहीं है सर ये जो स्टूडियो में बैठ कर जय हिंद जय भारत जय भारत करते हैं, टकरा दो लड़ा दो भिड़ा दो, एक है ना वो चलता है जिसे टीआरपी चोर भी कहते हैं कई लोग, वो कहता है टकरा दो लड़ा दो भिड़ा दो। हम लोग जाते हैं ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा न्यूज वन इंडिया ने खुले मंच पर उठाया, आज भी उठाते हैं, किसी की भी सरकार आए ठोक बजा के पूछेंगे, हमने भी उठाया किसानों का मुद्दा ठोक बजा के पूछा सरकारों से। अब सुनिए, जब हम ग्राउंड जीरो पर गए, अब बताता हूँ, संडे का दिन था जिस दिन सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, बाजपुर में सुनीता बाजवा के पक्ष में समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे थे। हम उसके अगले दिन सोमवार के दिन हमारी टीम पहुंची थी, वो तस्वीरें हमने देखी, हमने न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर वो तस्वीरें दिखाई, जमकर विरोध हो रहा था यशपाल आर्य का, जमकर। मैं कह रहा हूं आपको
कि बाजपुर में आप फाइट में आ गए, मैं गलत थोड़ी ना कह रहा हूं, तो वही बात तो ही ना कि भाई आपको प्रत्याशी मिल नहीं रहे थे, आप बाहर से ले आए, आप कह रहे कि हम फाइट में आ गए। बोलिए। नहीं नहीं, फाइट में हम पहले से थे, आपने खुद ही बोला काशीपुर में हम कोई बाहर से लेके नहीं आए थे। मैंने आपको कहा गदरपुर में काली जी हमारे, वो भी बाहर से नहीं आए। तो कहने का मतलब क्या है कि हम तो शुरू से तैयारी कर रहे थे, ये तो उलझे हुए आपस में। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना देंगे, उनको जो वो सबसे बड़े नेता है वो समझ गए थे कि इस बार जीतना तो है नहीं। सीमा मैडम को पता नहीं, आपको बताया कि कार्यकारी अध्यक्ष बना देंगे और अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी, आपको सब मालूम है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखना कार्यकारी अध्यक्ष भी बन जाएंगे वो। अब वो जब वो अपना उन्हें समझ गए थे, वो तो बड़े स्तर के नेता, वो समझ गए थे इस बार जब जीतने तो है नहीं, इसलिए क्या हम कहते हैं चिट्ठी लिख के और हाई पार्टी हाईकमान को कह दो कि मैं चुनाव में नहीं लड़ना चाहता, मेरी इच्छा नहीं है। अच्छा, और तो भाजपा हो जाए कांग्रेस हो, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना रहे, बिल्कुल बनाएंगे, देखना अभी ऐसा है। बिल्कुल बनेंगे। आपके पास आ रहा हूँ तिलक जी, आज तो उल्टा हो गया, खबरें तो आप देते हो, आज इन्होंने कैसे दे दी? अच्छा, मतलब मेरी खबर पे आप मोहर मानते हैं? आप ही कहते हैं, आप सब बातें आपकी बिल्कुल सही होती हैं, तो आज तो ये खबर दे रहे हैं, तो मुझे पता ही नहीं है, जो हमें पता ही नहीं, तो मैं इस बात पे बोलूं? ये तय करना संगठन का काम है, ये तय करना। हाँ, ये तो तुक्के लगा रहे हैं, इनका क्या है विचारों का? वैसे इनके पास कोई धरातल नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास अभी, इनको तो अपना अस्तित्व बनाना है, जीरो से शुरुआत है। लोग ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने से क्या, जब इतने लोग हैं तो कोई ना कोई तो ज्वाइन कर ही लेगा, उसमें क्या है? लेकिन जो जुड़े हुए लोग हैं संगठन से, आपके लोग हैं, तो आपके रघुनाथ चौहान जी कह रहे हैं जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है वो गंगा जल बेचते थे, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, ये हम तो नहीं कह रहे, पानी पी के कोस रहे हो, क्या कह रहे हैं? नहीं, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, आपको क्या लेना देना? आप सिर्फ इतना बताइए कि आपके कैंडिडेट तो ढूंढने से मिल रहे हैं आपको, आप नहीं, नहीं, आपको सत्ता विधानसभा के जी, आपको नहीं पता, सबसे पहले जो लिस्ट थी वो आम आदमी पार्टी ने घोषित की थी, सबसे पहले हमारी तीसरी लिस्ट है। आम आदमी पार्टी ने जिन्होंने सारे उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, 61 हो गए हमारे, अभी भी इंतजार कर आपके लिए घोषित करना तो बहुत आसान था, आपके पास लोग ही नहीं थे जो आ रहे थे उसको घोषित कर दिया, हमारे लिए तो मुश्किल है ना, हमारी हर सीट पे 10-10 कैंडिडेट है, क्या करें उसका, और सबके सब जुझारू, सबके सब करवट, कैसे करें उसका सिलेक्शन? नहीं सीमा जी, अगर आपकी एक सीट में अगर 10-10 कैंडिडेट है तो फिर आपको बाहर से लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर आपको क्या नाम कहते हैं बलात्कारी को टिकट देने की जरूरत क्या पड़ रही है? सुरेश ठाकुर को, सुरेश राठौर को, कोई दूसरा कैंडिडेट लड़वा देते, फिर आपको कौन प्रणाम की चैंपियन की वाइफ को क्यों टिकट देना पड़ रहा है? कोई और नहीं कैंडिडेट था वहां पे? अरे फिर आप परिवार बात पे क्यों जा रहे हो? नहीं, उनकी उनकी महिला की क्या गलती, अगर उनके पति ने कुछ भी स्पीच में कहीं भी कोई गड़बड़ करी हो, लेकिन उनकी क्या गलती है? तो वो भी आपको महिला के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, पहली बात तो क्यों नहीं, हमने महिला के बारे में कुछ नहीं बोला, महिला के क्यों बोला आपने? अगर महिलाओं की, अगर आप महिलाओं की इतनी बात कर रहे हैं तो सुरेश राठौर के बारे में बोल दो ना कुछ, दो शब्द, ज्वालापुर से जो आपने कैंडिडेट बनाया सुरेश राठौर, ये संगठन का काम है किसको देनी है किसको नहीं देनी, नहीं उनको आप सही मानती हो? हम ये बात बोलते हम, आप मैं कहती हूं आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, एक तरफ तो आप कह रहे हो खानपुर में कि महिला का सम्मान करो, जब हम ज्वालापुर की बात करते हैं आप कहते हैं पार्टी हाईकमान तय करेगा, तो ये दोगली बात नहीं है सीमा जी, आप ये महिलाओं की तरफ रहो या पार्टी हाईकमान की तरफ रहो? मेरी बात सुनिए, जब तक कोई भी किसी का दोष जो होता है वो प्रमाणित नहीं हो जाता तब तक आप किसी से कुछ नहीं कह सकते। सीजीएम कोर्ट ने दोबारा फाइल खोल दी होगी, सीजीएम कोर्ट ने दोबारा फाइल खोल दी होगी, अप्रूव उनकी हो जाने दीजिए ना, जब हो जाएगा तो उस पर एक्शन भी ले लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर खाली ब्लेम वाला होता है तो चलने दीजिए ना, जांच के आधार पर नहीं, किसी के लिए कोई भी मुकदमा दायर कर देगा तो हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन प्रमाणित हो जाए तो हटा दिया जाएगा बिल्कुल। एक मिनट सीमा जी, दोहरा मापदंड नहीं चलता राजनीति में। हाँ, दोहरा मापदंड, रुकिए ना आप, यही बात तो देशराज कंडवाल कह रहे हैं, कह रहे हैं रानी साहिबा को टिकट दे दिया कोई दिक्कत नहीं, रानी साहिबा को टिकट दे दिया कोई दिक्कत नहीं, मेरी पत्नी को भी टिकट दे दो, सरकारी नौकरी छोड़ के आई हैं, रानी साहिबा से ज्यादा सीनियर हैं, रानी साहिबा से ज्यादा अनुभव है, रानी साहिबा से ज्यादा उन्होंने ग्राउंड जीरो पर काम किया है, सीमा मैडम उनका भी तो ख्याल रखिए ना, फिर
अगर रानी साहिबा का ख्याल रख रहे हैं परिवारवाद के चक्कर में, वैसे आपके यहाँ नहीं होता परिवारवाद, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है परिवारवाद की, काशीपुर से लेकर कैंट तक, लेकिन फिर भी आपके यहाँ परिवारवाद नहीं होता फिर भी, तो उनके परिवार का भी ख्याल रख लेते ना देशराज कर्णवाल जी के, तभी तो चिट्ठियां लिख रहे हैं वो अध्यक्ष को। अध्यक्ष को चिट्ठियां लिख रहे हैं तो वो सोचेंगे जरूर इस बारे में, जो भी निर्णय होता है वो तो शीर्ष नेतृत्व का होता है, लेकिन हमारे यहाँ सचमुच परिवारवाद नहीं होता। और इस बार हमने यही कहा था कि हम एक परिवार में दो टिकट नहीं देंगे, लेकिन ये जरूर होता है कि अगर हरवंश कपूर जी के हरवंश कपूर परिवार के बाहर नहीं देंगे, नहीं अगर उन्होंने इतने लंबे समय तक काम करा परिवार में नहीं देंगे, बस हम परिवार में अच्छे कैंडिडेट रहे, अच्छे कैंडिडेट रहे और उन्होंने शुरू से इतना काम करा है तो उनके बेटे को देने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रहे हो तो, और उनकी पत्नी को देने में भी कोई त्रिलोक जी की बात कर रहे हो और साथ में आप सविता कपूर जी की बात कर रहे हो तो उन्होंने भी तो इतने उनकी, अब मुझे नहीं मालूम कि क्या काबिलियत, काबिलियत आप ही ने देखी होगी, मुझे तो नहीं मालूम काबिलियत आप, नहीं डेफिनेटली वो इतना समय काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनके पुत्र को दे दिया तो उसमें कोई विरोध होना नहीं चाहिए, अगली बार कोई अच्छा काम करेगा उसको मिल जाएगा, नहीं तो वो भी एक साथ हो जाएंगे, वो एक कुछ ऐसा नहीं है कि कोई सेपरेट नहीं है, नाराजगी तो होती है कोई भी काम शुरू करो उसमें 10 लोग होंगे तो 9 तो नाराज होंगे लेकिन सब एकजुट हो जाते हैं, हमारे यहाँ हमारी यही खूबी है हमारे संगठन की। ओके राव भाई ये कह रहे हैं हमारे संगठन की खूबी यही है कि हम अंतिम वक्त में सबको एक साथ ले लेते हैं, ये हमारी संगठन की खासियत है। अब कांग्रेस का कुनबा तो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे संभालोगे? इनके संगठन की क्या खूबी है मैं तो इसको जान नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपने संगठन का बताना चाहूंगा, मेरे संगठन में बहुत ज्यादा खूबियां हैं। आज जो लोग नाराज हैं तो वो कल कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस के लिए उत्तराखंड के लिए कल फील्ड में काम करते नजर आएंगे, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ। अच्छा सारे हरक सिंह रावत है क्या कि माफी मांग के गिड़गिड़ाने लगेंगे, कहेंगे पार्टी में ले लो? नहीं माफी मैं नहीं कहूंगा, माफी मांग के या गिड़गिड़ा करके आएंगे वो, जैसे भी आएंगे दे दिया ना उनकी बहू को टिकट, देख लीजिए बाकियों को छोड़ दिया बहू को दे दिया पैराशूट बिठा के, आप ही तो कह रही है महिलाओं का सम्मान कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए महिलाओं को सम्मान, लेकिन उस जगह से तो नहीं, उस जगह से तो नहीं, उन्होंने कहीं काम नहीं किया, उन्होंने कहीं काम नहीं किया, आपने आके उनको बिठा दिया, आपने उनको बिठा के वो कहीं काम करके आई, कहीं से काम करके आई है, वो कहीं राजनीति में थी इससे पहले, वो नहीं थी ना, सिर्फ हरक सिंह जी ने क्योंकि उन्होंने प्रेशर डाला और आप उनके प्रेशर में आ गए जो बीजेपी नहीं आई, ये फर्क है आपके संगठन और हमारे, आप प्रेशर में आते हो हम प्रेशर में नहीं आते, हम किसी को आने नहीं देते कि हमारे सिर पे चढ़ जाए, अभी 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 आप प्रेशर में आते हो, कुछ अभी थोड़ी देर के बाद कुछ और चीजें होंगी आपके यहाँ से, जैसे कि नहीं इनके यहीं से कुछ होगा तो तब पता होगा कि परिसर में कौन आ रहा है, अभी भी ये भी कैंडिडेट्स कुछ रोके हुए हैं, शायद फिर से ये अपना पूरा करना चाहे कुनबा कांग्रेस से लेकर के, तो मैं तो पूरा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ अभी इनका ही कुनबा पूरा 70 का कुनबा कहाँ हुआ है इनका भी पूरा, ये भी हमारी वेट एंड वॉच की, मैंने आपको बताया था ये वेट की स्थिति में ये भी है। अच्छा ये भी है मतलब ये है पहले, सबसे पहले ये है और फिर ये ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि हम भी हैं, आप तो हैं सब हमारे ही कैंडिडेट को कांग्रेस की फसल को क्यों अच्छा मान रहे हैं, तो जनता तो सीधा वही फसल लगाने का काम करेगी जो सबको फसल दे रही है, अगर हम अच्छा मानते तो हम बाहर नहीं निकालते ना, जो तो आपके सर्वश्रेष्ठ है, नहीं आपने इतना उन्होंने फल दिया आपने बहुत अच्छे से खाए, जब वो हाँ। अंगूर खट्टे हो गए तो अंगूर खट्टे हैं, फल खाने वाले तो आपके यहाँ बैठे ना, जो आपका आपके श्रेष्ठ हैं, जो आपके नेतृत्व करते हैं वो है ना फल खाने वाले, लूट लो उत्तराखंड की जनता को लूट लो, मैं बंद कर लूंगा, वो है आपके उत्तराखंड, वो आपका रोल मॉडल है, वो आप कांग्रेस का रोल मॉडल है, वो है कि हरदा ने किसको कहां लूटा आज तक आप सिद्ध कर पाए, सिद्ध कर पाए, जनता सब जानती है, छोड़ दीजिए ना जनता पे, फिर 70 साल की राजनीति करने वाला कांग्रेस आज तक आप लोग एक जिसका आज तक लालच खत्म नहीं हुआ, जिसने सत्ता का लालच आज भी नहीं छोड़ा,
70 साल का वो आदमी जिसको बार बार निकाला फिर भी उसको लालच नहीं गया कि मैं अभी भी आऊंगा, मैं लड़ लू, मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे 20 टिकट दे दो, मैं लड़ लू और मैं मुख्यमंत्री बनूं। उनका आखिरी उद्देश्य है मुख्यमंत्री बनना। उन्होंने कन्याधन योजनाएं चलाई, आपने सारी योजनाओं को बंद किया, वो आप उनको लालची बता रहे हैं। जितनी योजनाएं हमने चलाई आप सपने में भी नहीं सोच सकते योजनाओं का। योजना पता है क्या होती है? जितनी योजनाएं चलाई, जितना फायदे उठाए लोगों ने, जिसका भाई सही कह रही सीमा मैडम, आपने देखा नहीं सी प्लेन चल रहा था टीरी ने, आपने देखा क्या? नहीं देखा ना आपने? जनता देख रही है, मसूरी तक जाने वाला था, देखा क्या? नहीं देखा ना? मैंने करण प्रयाग की रेल देखी है, मैंने करण प्रयाग की रेल देखी है। वो तो रेल पुरुष से पूछ लो जाके, रेल पुरुष बता देंगे, रेल पुरुष है ना, मैंने देखी है वो बता देंगे। हाँ देखी है ना आपने? हाँ जी, मैंने कब देखा है? मैंने 15 लाख भी देखे हैं, 15 लाख भी देखे हैं मुझे, सबके अकाउंट में आए। उत्तराखंड के विरोधी थे कांग्रेसी, आज बातें बड़ी बड़ी करते हो, उत्तराखंड गठन के विरोध तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किया। हाँ सीमा मैडम, और आप उत्तराखंडियों का दर्द क्या जानेंगे? आप लोग उत्तराखंडियों का, सारे राज्य आंदोलनकारी मुझे सबका मालूम है, अब सारे राज्य आंदोलनकारी मुझे सबका मालूम, छोड़िए ना। एक और राज्य आंदोलनकारी का जिक्र किया आपने, अनिल सत्ती साहब, कहां क्या बात करते हैं आप कह रहे हैं कि आपके यहां, मैं देख रहा था कि रविंद्र जुगरान को इन्होंने प्रवक्ता बना दिया दोबारा से पार्टी में आने, रविंद्र जुगरान भाई साहब को बिल्कुल बिल्कुल। राज्य आंदोलनकारियों का जिक्र हुआ तो मेरे को नाम याद आ गया एकदम से, रविंद्र जुगरान जी भाजपा छोड़ के ही आम आदमी पार्टी में आए थे, वापिस भी तो चले गए। देखिए अब नहीं, हमारे यहाँ भी प्रवक्ता थे, अब क्या रहा क्या नहीं रहा उनके, क्या बीजेपी ने प्रलोभन दिया, क्या उनको आगे उनकी महत्वाकांक्षाएं थी जो पूरी नहीं हो रही थी आम आदमी पार्टी में आके, क्योंकि आम आदमी पार्टी में आना आसान है, इसमें काम करना बड़ा मुश्किल है। अब भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, नेताओं की जरूरत नहीं है, हमें कार्यकर्ता चाहिए। नहीं देखिए, कार्यकर्ता ही नेता बनता है, जो सही नेता कार्यकर्ता होगा वही संघर्ष करने के बाद नेता बनता है हमारे यहाँ। अच्छा तो प्रलोभन दिया आपने, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने, इसलिए रविंद्र चुगरान वापस चले गए। देखिए अब रविंद्र चुगरान जी आए थे, बड़े अच्छे व्यक्तित्व थे, पर हमारे यहाँ भी प्रदेश प्रवक्ता थे, अब क्या उनकी महत्वाकांक्षा थी, क्या बात थी, वो तो शीर्ष नेतृत्व ही जानता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गए। अच्छा बात कब जारी हो रही है? देखिए कल तक आ जाएगी हमारी लिस्ट, कल तक। अभी टूटने का इंतजार नहीं करोगे बीजेपी कांग्रेस के? नहीं नहीं, बस जो टूटना था टूट गया, 28 तारीख को लास्ट नामांकन है, कल तक लिस्ट आ जाएगी, कल तक। आज तो उसकी भी लिस्ट आनी है, बीजेपी की भी लिस्ट आ जाएगी, बीजेपी की। तो कुछ टूटने का इंतजार है कि नहीं? नहीं नहीं, हमें टूटने का कोई, भाजपा वाले भी रडार पर आ गए? नहीं हमें कोई टूटने का इंतजार नहीं है, हमारी पूरी पूरी लिस्ट लगभग तैयार है, कल तक हमारी फाइनल हो जाएगी। नहीं नहीं, सीमा मैडम कह रही थी कि कांग्रेस में छोड़िए और बीजेपी में छोड़िए, जो जो बागी हुए हैं वो लिस्ट तैयार हो रही है आपके यहाँ? नहीं नहीं, भाजपा कांग्रेस से पहले हमारी जो चौथी, हमारी जो चौथी और अंतिम सूची आएगी वो भाजपा कांग्रेस से पहले ही आएगी। नहीं नहीं, संपर्क साध रहे हो कि नहीं साध रहे इनके बागियों से? नहीं कोई संपर्क नहीं साध रहे हम, जिन्होंने आना था वो आ गया। बाजवा कैसे ज्वाइन होगी अगर संपर्क नहीं साध रहे तो? नहीं नहीं, सुनीता बाजवा जी, देखिए सुनीता बाजवा जी काफी लंबे समय से उनसे बातचीत थी, आज से नहीं थी बातचीत, पहले से बातचीत चल रही थी उनसे। ये बागी हुए तो उनसे तो बातचीत हो रही होगी ना आप लोगों की? नहीं नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही, नहीं नहीं कोई बातचीत नहीं हो रही मेरी किसी से। हमारी कल हमारी लास्ट फाइनल लिस्ट आ जाएगी चौथी और अंतिम, और भाजपा और कांग्रेस से पहले ही आएगी। आपको तो पता ही, किसी का इंतजार नहीं करने, हम किसी का इंतजार नहीं करते। नेता आपके है जी, है जी, आपके नेता भी दिल्ली ले जाते हैं सीधा चुपके चुपके? नहीं बिल्कुल, देखिए एक बड़े, अगर बड़े स्तर का कोई नेता आता है तो सीधा दिल्ली ज्वाइनिंग होती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सुनीता बाजवा अपने आप ही क्या कहते हैं नेता थी, गई दिल्ली और ज्वाइन हुई है। ओके सीमा मैडम जवाब दीजिए, फिर उसके बाद जो है मैं राव साहब आपके पास आ रहा हूँ। मसला सीधे तौर पर संगठन को एकजुट करने का है, आप खुद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, सीमा मैडम समझ रही है मेरी बात, खुद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, संगठन में बगावत है, ऐसी स्थिति में फिर अनिल सत्ती की बात तो सही निकलती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को लगा कि मौका है चौका मार दो, इसलिए चिट्ठी लिख दी उन्होंने कि भैया मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बना दो। सीमा डोरा जी, ये तो हमारे संगठन से ज्यादा तो ये जानते हैं हमारे संगठन के बारे में, मैं क्या बोलूं,
क्या चल रहा है हमारे संगठन में, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसको सेट करेगा, इसको डिसाइड करेगा कि किसको क्या बनाना है। बाकी त्रिवेणी जी, यस त्रिवेणी जी आज भी थे खजानदास जी के उस पे, तो वो जगह जगह जा ही रही हैं, सबके साथ उनका उनका जो है सानिध्य है और बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अब संगठन के साथ काम करने के बारे में सोचा, तो संगठन में कुछ भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि खुद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो पहले से कंट्रोल कैसे होगा? सब कुछ डैमेज हो, नहीं संघ के भरोसे नहीं, हमारा कार्यकर्ता के भरोसे, हमारा तो कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है, कार्यकर्ता ही जिताता है। एक्चुअल बूथ लेवल से हम लोग करते हैं, हम पन्ना प्रमुख से काम करते हैं, हम लोगों को विश्वास ऊपर से नहीं नीचे से होता है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और ग्राउंड लेवल से ही हमारा कार्यकर्ता ही हमें जिता देता है, कैंडिडेट को जिताता ही कार्यकर्ता है बिल्कुल। और अध्यक्ष जी तो पहले भी लड़ रहे थे मुख्यमंत्री जी के पास, पहले भी सीट थी, तो वो तो सब लड़ेंगे ही, उसमें वो कोई डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकते और डैमेज कुछ होगा भी नहीं जो कंट्रोल करें, क्योंकि विधायक बने थे तब मुख्यमंत्री नहीं थे ना मैडम। नहीं वो कोई बात नहीं, लेकिन सीट तो उनके पास थी, वो अपनी सीट तो नहीं छोड़ सकते थे। हाँ तो उसके लिए संगठन में और लोग आता है, हमारे संगठन महामंत्री क्या है, दोनों संगठन महामंत्री हैं हमारे, तीनों संगठन महामंत्री हैं हमारे, और भी बहुत से लोग हैं जो बाहर से चुनाव के हमारे जो अधिकारी हैं, जो चुनाव के मंत्री हैं, बिल्कुल बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस पे। ओके प्रभारी आए हुए हमारे, चुनाव प्रभारी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही जी, आपका फ्रेम डिस्कनेक्ट हो गया, फ्रेम नहीं दिखाई दे रहा आपका। कांग्रेस पिक्चर से बाहर हो गई, सीमा डोरा कह रही है, कह रही पिक्चर से बाहर हो गई कांग्रेस। अच्छा आ गया, आ गए फ्रेम में आ गए। राव भाई यही यही सवाल आपके ऊपर भी है, प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे हैं श्रीनगर से, मुख्यमंत्री खुद रामनगर से लड़ रहे हैं, वहां पर भी असमंजस है और उन्हीं का विरोध सबसे ज्यादा हो रहा है। डैमेज कंट्रोल होगा तो होगा कैसे, कौन करेगा फिर डैमेज कंट्रोल? अब प्रीतम सिंह तो चक्राता से आएंगे नहीं कि प्रीतम जी कहेंगे चलो बैठो बात करो खत्म करो बात को। देखिए सर रामनगर तक जहां, देखिए रामनगर से जहां तक चुनाव लड़ने और ना लड़ने का सवाल है, मैं रामनगर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं संगठन स्तर पे, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चेहरे दोनों चुनाव लड़ रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि डैमेज कंट्रोल करेगा कौन, आपके तो दिल्ली वाले भी नहीं आते देहरादून। नहीं डैमेज कंट्रोल तो ये आज जो आप बता रहे हैं ये चीजें हुई हैं, तो मैं पक्का आपको 101% कहना चाहूंगा कि ये कल तक ये सब चीजें धीरे धीरे शांत हो जाएंगी और सब अपने अपने कामों पर, जब नॉमिनेशन भाजपा और ये आम आदमी अपने अपने सारे कैंडिडेट खोल देंगे, तो वो कार्यकर्ता जो आज इस उसमें है कि पिक्चर का क्या सीन होने वाला है, वो कल अपने अपने क्षेत्रों में जाके कांग्रेस के लिए कार्य करने लगेगा। तो आपको लग रहा है कि ये सारे जो हैं अनुकृति गोसाई के जिंदाबाद के नारे लगाएंगे जो बगावत का बिगुल बजा रहे हैं? मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ लैंसडाउन की भी, लैंसडाउन मतलब प्रदेश कार्यालय के लैंसडाउन वाले विरोध जता रहे थे। आपको लग रहा है ये अनुकृति गोसाई जिंदाबाद के नारे लगाएंगे वहां पर? जी कांग्रेसी कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाएगा। अच्छा, और वो जिन्होंने वहां पर इतने लंबे अरसे तक कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं हुई, जिन्होंने मेहनत की, जिनको टिकट मिलना चाहिए था, आप लाए पैराशूट से, जिनको बीजेपी से लड़ना था आपने कहा आप लड़वा लो, क्योंकि आप एक बड़े नेता के पुत्रवधू हैं, लड़िए चुनाव। बड़े नेता के तो नहीं है, लेकिन हाँ संगठन ने, और जब उनको कोई हाँ वो एक कार्यकर्ता ही मानेंगे आप, जो कार्यकर्ता बनकर पार्टी में आए हैं वो भी कार्यकर्ता ही हैं, नेता तो जनता को तय करना है, मैं उसमें तय नहीं करूंगा। 70 सीटों पर प्रभाव है उस नेता का, मैं नहीं वो खुद कहते हैं 70 सीटों पर, मैं तो कह रहा हूँ चुनाव लड़वाते थे 70 कहाँ गिड़गिड़ा रहे थे कांग्रेस के घर पे। अब ये तो और कह रहे हो कि जो उनकी पुत्र वधु जो है वो राव भाई जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि 70 सीटों का प्रभाव है या 50 का है या 40 का है, ये तो मैं नहीं कहूंगा, ये जनता को मालूम है और वो किसने कितना काम ले रहे हैं, कैसे काम करेंगे, वो तो कह रहे हैं कि मैं पार्टी के लिए पार्टी स्तर पर काम करने के लिए तैयार हूँ, कार्यकर्ता बनकर तैयार हूँ, तो उसमें तो वो जब कुछ कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो चौबट्टा खाल में भी बहुत कुछ होगा, अभी रुकिए ना। जी 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 अभी तो चौबट्टा खाल की पिक्चर बाकी है, अभी जी, जी, वाला जी, की पिक्चर बाकी है।
जी 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 ओके अनिल सती फाइनल कमेंट आपका, आपको लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा? देखिए आम आदमी पार्टी पिछले 7-8 महीने से लगातार काम कर रही थी, उनकी योजनाएं जो है वो हम घर घर तक दे रहे थे, जो आम आदमी पार्टी की चार प्रमुख योजनाएं थी हम शुरू से ही घर घर में जा रहे, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जा रहे थे, तो हमें इनकी इंदुरा कुश्ती से कोई मतलब नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं और पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ओके पार्टी यहाँ पर ओके सीमा मैडम आपका फ्रेम चला गया था, लेकिन राव बिलावर ने कहा कि अभी देखिए पिक्चर अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से डैमेज कंट्रोल हम ही करेंगे। सीमा डोरा आपका फाइनल कमेंट, सीमा डोरा से संपर्क, सीमा डोरा जी फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है, हमने बहुत सारे काम करे हैं और वो काम जनता को दिखते हैं, हम साफ सुथरा बोलते हैं कि अगर हमने काम किया हो तो हमें जरूर वोट दें, और अगर देश को सुरक्षित रखना है, अपने राज्य को सुरक्षित रखना है, अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना है, मुख्यमंत्रियों को रोजगार अगर देना वोट करें भारतीय जनता पार्टी को वोट, ये बात पुष्कर सिंह धामी जी से कहलवा दो, अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना है। युवाओं को रोजगार मिले ना मिले लेकिन मुख्यमंत्री की वैकेंसी निकलती रहेगी। आपने तो 70 साल जनता को धोखा दिया, आप क्या बातें करें, कांग्रेस की तो बात ही मत करिए। आपको अब की बार 10 बार 10 CM देंगे इस बार, अगर भाजपा 60 बार अब की बार 10 बार 10 CM देंगे इस बार, अगर आप भाजपा की सरकार आती है तो 60 से बाहर होने वाले हैं। ये मैं अनिल शक्ति सर के विकास की बात कर रहा था, विकास की सीएम की बात मत करिए, हम करप्ट सीएम सीमा जी ये बात ना, ये अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, ये पुष्कर सिंह धामी जी से कहलवा दो एक बार आप, या मोदी से कहलवा दो आप, ये हिम्मत केवल अरविंद केजरीवाल में है, ये हिम्मत केवल अरविंद केजरीवाल में है, आप खिलवा दीजिए ना, आप खिलवा दीजिए उनसे, आप खिलवा दीजिए उनसे एक बार, ये अंतिम ओवर में ही बैटिंग करते हैं सारे, अंतिम ओवर में ही बैटिंग सबको, काम करने वाले बेचारे लिखित में दे गए कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, 4.5 साल जिन्होंने काम किया वो तो लिखित में दे गए। अंतिम समय में सीमा जी ने बात ऐसी कह दी, अरे तो जनता पे क्यों नहीं छोड़ देते? हाँ मैं तो कह रहा हूँ जनता ही तो निर्णय लेगी, जनता कह रहा है, जनता को दिख रहा है, जनता को पता है कि मोदी जी के राज्य में ही सुरक्षित है, बस मोदी जी हैं जिन्होंने कोरोना काल में बचा लिया, आप लोग ना बचा पाते, सीमा मैडम दुनिया तबाह हो जाती है, खत्म हो जाते हैं तो मोदी जी को ले आते हैं, उन्हें दिल्ली रहने दीजिए मैडम, मोदी जी धर्म और राष्ट्र छोड़ के चुनाव लड़ लें, ओके उन्हीं को चेहरा बना दीजिए। ओके ओके राव साहब हो गया हो गया, अब भाई हमारा चेहरा सीमा मैडम, हमारा मेन इंजन तो वो है ना, डबल इंजन है ना, तो एक इंजन वो है। अच्छा आप तो पठानी का चुनाव भी मोदी जी के नाम से लड़ रहे हो, मांगते हो आपके पास कोई है ही नहीं, किसको चेहरा आपको ग्राम पठानी का वोट भी मोदी जी के नाम से मांगते हो, और बीजेपी के घर की बगावत, बगावत दोनों के घर में है, किसी के घर में शोले धधक रहे हैं और किसी के घर में धुआं निकल रहा है, अब देखते हैं कौन फायर ब्रिगेड बनके बुझाने का काम करता है, लेकिन फिलहाल जिनसे बुझाने की उम्मीद थी उन्हीं पर ही आग लगाने के आरोप लग रहे हैं, यही उत्तराखंड की सियासत है, और सबसे ज्यादा दिक्कत रामनगर में हो रही है, और रामनगर को लेकर चर्चाएं आम हैं कि हो सकता है कि हरीश रावत अपनी सीट बदल ले और हरिद्वार ग्रामीण की तरफ कूच कर जाए, अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड में सियासी कोहराम होना अभी बाकी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।